Most welcome, my dear students. Again, in the e-learning classes, distance education of our platform, St. Michael's Academy. Today is a very easy topic on the physics magnetic effect of electric current. Today we'll discuss a very small topic, that is the electromagnet. Electromagnet, this word has been made from two parts, electro and magnet. तो इलेक्ट्रो वर्ड हमको किसकी याद दिलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की, और मैग्नेट मैग्नेट की, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसी से मिलकर हमारा बना है इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो इसके पहले हम लोगों ने, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सोलिनॉइड पढ़ाया था कि सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग टर्न सिलिंड्रिकल टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर। तो अगर उसके हॉलो पार्ट में अगर हम कोर मटेरियल के रूप में सॉफ्ट आयरन का यूज कर लेंगे तो वो एक मैग्नेट का काम करेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम डिफाइन करें तो इफ अ सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज कोर मटेरियल, इफ ए सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज कोर मटेरियल इनसाइड ए सोलेनोइड, देन इट act or behave like a electromagnet। इसको मैं demonstrate करने की कोशिश करूंगा बच्चों। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा finger में, ये मेरे जो fingers हैं ये coil को represent कर रहे हैं और ये board sketch अगर soft iron है तो इस soft iron को अगर हम इसके अंदर डालेंगे और circuit को complete कर देंगे यहाँ पर, तो जब तक, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि when electric current flow through a conductor develop a magnetic field, तो ये जो कोर मटेरियल है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है तो इसमें क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें उस समय तक रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों टेम्पररी मैग्नेट है, कि दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट टिल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। As electric current is switched off, then the property of magnetism that is obtained in that core material that will be demagnetized. उसमें से magnetic property हट जाएगा। ये clear हो गया बच्चों? तो electromagnet क्या हुआ? Electromagnet simple definition होगा कि when a soft iron is used as core material inside a solenoid, then it behave like a magnet till electric current flow through it and that is known as electromagnet। अब बात करते हैं हम इसी का एक भाग है बच्चों कि परमानेंट मैग्नेट जो आप देखे होंगे साउंड बॉक्स के पीछे लगा रहता है या इलेक्ट्रिक बेल में लगा रहता है या बहुत सारे डिवाइसेस में लगा रहता है, तो वो परमानेंट मैग्नेट बनता कैसे? परमानेंट मैग्नेट भी बनाने का मेथड यही है, बस केवल अंतर यही है कि हम जिस कोर मटेरियल को यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है और इसमें ये हार्ड आयरन या एलॉय का बना होता है। एलॉय मतलब हो गया मिक्स मेटल। तो व्हेन वी यूज्ड हार्ड आयरन और एलॉय एज ए कोर मटेरियल इनसाइड ए सोलेनोइड एंड वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, देन even after removing electric current it retained the magnetic property, which one retained the magnetic property, that the core material which is of hard iron or alloy, hard iron जैसे आप Chinese candy use करते हैं वो hard iron है, alloy आपका जो mixed metal होता है उसके अगर मैं example देना चाहूंगा तो उसके example हो जाएंगे आपको एलनिको, aluminium और nickel और cobalt, एलनिको एक हमारा एलॉय हो गया जिसमें एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट का बना होता है, जब उसको कोर मटेरियल को यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा हार्ड आयरन। तो इसके विषय में अगर परमानेंट मैग्नेट के विषय में अगर हम लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट, देन हम लिखेंगे इफ हार्ड आयरन और एलॉय, एलॉय का एग्जाम्पल देंगे हम एलनिको, एलनिको
is used as core material inside a solenoid and high voltage of electric current flows the core material retain the property वो फटे का नहीं retain the property of magnet and it is known as permanent magnet. तो अब इसके दूसरे भाग में आते हैं बच्चों को. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? Given core iron is used, where soft iron is used as a core material inside a solenoid, then it behave like a magnet till electric current flow through it. Then it is known as electromagnet, is a temporary magnet. And whereas when hard iron or alloy, जैसे एलनी को मैंने लिखा, एलनी को ये किसे किसे बनाया बच्चों? एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल से बना है. वेर हार्ड आयरन और एलॉय इज यूज्ड एज कोर मटेरियल एंड वेरी हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, देन इट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड दैट इज नोन एज परमानेंट मैग्नेट. अब इसके दूसरे भाग में हम आते हैं और हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ क्या क्या यूज है हमारा. सॉरी, ऑन व्हाट फैक्टर्स. अब हम आते हैं दूसरे भाग में. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड. किन किन बातों पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है? तो पहला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्न दिखाया. अगर ये टर्न की संख्या ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मतलब तार बिल्कुल सट कर रहेंगे, तो उसका स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दूसरा होता है इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ करेंट. द इंटेंसिटी ऑफ करंट, मतलब करंट का वैल्यू जितना, जैसे हम दो बैटरी लगाए हैं, दो बैटरी की जगह हम चार बैटरी लगाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. तीसरा होता है हमारा नेचर ऑफ कोर मटेरियल. कोर मतलब होता है अंदर. अगर हम सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा. चौथा होता है कि जो पोल्स है उसके बीच का डिस्टेंस जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमारा स्ट्रेंथ होगा. तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, इंटेंसिटी ऑफ करेंट, नेचर ऑफ कोर मटेरियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. ये आप अपने से लिख लोगे बच्चों, क्योंकि इसके बाद हमको दो टॉपिक और आपसे डिस्कस करना है इसी वीडियो में. जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और लास्ट होगा हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन द एक्सप्लेनेशन व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. वो सबसे लास्ट में होगा. तो अब मैं बच्चों इसको रब कर रहा हूं, आप इसका फिगर और डेफिनेशन उतार लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का. अब हम यहां पर पढ़ेंगे बच्चों, ये पॉइंट आपने उतार लिया है कि किन बातों पर वो निर्भर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ.
Because at the end of the video, I will give you some questions. And these questions you have to write in your physics note copy or homework or class copy. अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो आप देखे होंगे जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बस एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट होंगे, तो आप देखे होंगे क्रेन का यूज किया जाता है और उस क्रेन की सहायता से जो खाई के अंदर, नदी के अंदर या दूसरी जगह जो बस या ट्रेन गिर जाते हैं उनको वहां से लिफ्ट करके फिर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो हम उसको क्रेन बोलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। तो पहला हो जाएगा टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग क्रेन्स। दूसरा हो जाएगा कि अगर आप कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के आंख में लोहे का बुरादा पड़ गया, तो उसको कैसे निकाला जाता है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से डॉक्टर क्या करते हैं हॉस्पिटल में उस स्प्लिंटर्स को या जो बारीक सा लोहे का कण होता है आंख में से उसको निकालते, आंख के पास उस सर्टेन पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाएंगे तो अपने आप जो लोहे का बुरादा होगा वो उसे चिपक जाएगा और आंख में से निकल जाएगा। तो इन हॉस्पिटल्स टू रिमूव आयरन स्प्लिंटर्स और फाइलिंग्स फ्रॉम ह्यूमन आई, आंख में से अगर वो गिर गया तो निकालने के लिए। तीसरा होता है कि इट इज यूज इन डिफरेंट एपरेटस और डिवाइसेस यूज्ड इन डिफरेंट डिवाइसेस। जैसे आपका डोरबेल हो गया, आप लोग घर में जब कोई आते हैं तो वो घंटी बजाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, तो डोरबेल में हम यूज कर सकते हैं। फिर इसका यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में या टेलीफोन ईयर पीस। आजकल तो हम बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप में से बहुत बच्चों के घर में अभी भी मोबाइल होगा, ट्रेडिशनल मोबाइल, तो कान के पास जो हमारा रहता है उसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। तो अब इस वीडियो के सबसे लास्ट वाले हिस्से में हम आएंगे और तब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों की अभी तक हमने जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के विषय में डिस्कस किया उसके विषय में हम डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पोर्शन को बच्चों मैं रब कर रहा हूं। तो जो मैंने डिस्कस किया था पहला पॉइंट, नाम से ही है परमानेंट मैग्नेट, मतलब उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा परमानेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट का टेम्पररी होगा। अब यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। एक तीसरा कॉलम यहां बना लेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी में नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नेचर क्या हो जाएगा हमारा, ये टेम्पोररी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा परमानेंट मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो उस समय तक काम करता है जब तक उसकी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेट विल रिमेन टिल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, वेयर एज इन परमानेंट मैग्नेट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेन
ऑल द टाइम। दूसरा हो सकता है पोलैरिटी, पोलैरिटी। अगर मान लीजिए ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा बोर्ड स्केच परमानेंट मैग्नेट है, तो ब्लू डॉट अगर नॉर्थ पोल है तो हमेशा ये नॉर्थ पोल रहेगा और इधर वाला हमेशा हमारा साउथ पोल रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हम बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसको पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में पोलैरिटी को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेगा, पोलैरिटी इसमें वेरिएबल, यानी कहेंगे वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट, ये नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। और इसमें कैसे बदल सकते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप मेंशन कर दोगे इसमें। तीसरा हो गया हमारा स्ट्रेंथ, strength, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ पर हमने यहां बहुत सारी चर्चाएं की थी कि कौन से फैक्टर्स है जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, इंटेंसिटी ऑफ करंट हो गया, कोर मटेरियल हो गया, और चौथा हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। जितना कम रहेगा उतना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। इस तरह हम देख सकते हैं या हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। हम उसका पावर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में उसका पावर कांस्टेंट रहता है, उसके पावर के स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर होगा स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा वेरिएबल, और यहां क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैंने जो डिफरेंस लिखा है बच्चों उसमें कीवर्ड लिखा है, आप जब नोट बनाएंगे तो कीवर्ड लिखेंगे ही, लेकिन साथ में साथ उसके ब्रीफ में आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे इस कंडीशन में स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन बी इज वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, वेर एज द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट रिमेन कॉन्स्टेंट, उसको नहीं बदला जा सकता है। तो इस वीडियो के हमारे चार भाग थे, चारों भाग मैंने कंप्लीट कर दिए बच्चों। अब आप होमवर्क लिखिए, मैं कुछ क्वेश्चन चार या पांच क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रो मैग्नेट, हाउ कैन बी मेड ए इलेक्ट्रो मैग्नेट। 3, व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 4, What are the differences between electromagnet and permanent magnet? और लास्ट में आप लिखिएगा, name the nature of material which is used as core material in permanent magnet and core material. मैं पांचों क्वेश्चन फिर से रिवाइंड करूंगा बच्चों। What do you understand by electromagnet? How can we made a electro and electromagnet? Second, what is a permanent magnet? क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। एक चीज मैं भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा कि राइट द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये 6 क्वेश्चन आपको अपने फिजिक्स नोट्स कॉपी में बनाना है बच्चों। मैं फिर से याद दिला दूं, इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको प्रैक्टिकल कॉपी में बनाने हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।